अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाजा पिजन्स। उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे दोस्त भाई बाप सब खैरियत से होंगे, सब शौकीन लोग फिट फाट होंगे। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, जो दोस्त बाप चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाया करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच जाए। दोस्तों मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दोस्त बाप चैनल पे वीडियो देख के निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फाइनली इन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जो ना करें उसका भी भला, जो कर दे उसका भी भला। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में एक परिंदा है, रामपुरी ओरिजिनल कबूतर है, इसका आपको शौक भी कराऊँगा और आपको जोड़ा लगाने की थोड़ी सी टिप्स भी दूँगा कि नर कैसा होना चाहिए, मादी कैसी होनी चाहिए जोड़ा लगाने में, कबूतर की आंख कैसी होनी चाहिए, बच्चे उड़ाने के लिए कबूतर की आंख कैसी होनी चाहिए और उड़ने वाले कबूतरों की आंखें कैसी होनी चाहिए, ये सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं कैमरा मैन को कहूँगा वो आए और ये थोड़ा सा आपको कबूतर का थोड़ा सा शो करवा दे, इधर आए करीब आए। ये दोस्तों मेरे पास रामपुरी परिंदा है, इसकी आँख देखें कितनी साफ़ आँख है, जो ब्रीडर कबूतर है ना उसकी आंख इस तरह साफ़ होनी चाहिए, ये काले डेले के बाहर मुकम्मल गोल रिंग होना चाहिए जिसे ब्रीडिंग रिंग कहते हैं वो होना चाहिए, उसके बाद ज़मीन साफ़ होनी चाहिए कबूतर की, और कबूतर की ये जो पलक होती है ये जितनी बारीक होगी कबूतर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और जोड़ा लगाने के लिए कबूतर की आँख जो उनकी बड़ी और बाहर की तरफ उभरी होनी चाहिए, शीशा शीशे की तरह चमक होनी चाहिए उसमें। ये रामपुरी कबूतर है, ठीक है, ये इसके पार हैं, इसके पार देखें माशाल्लाह, इसकी नौवीं कली देखें बड़ी है और इसके जो पार हैं परों की शेप आगे जो ऐसे उंगलियों की तरह गोल है आगे से, ये जोड़े वाले कबूतर की जो पार हैं इस तरह आगे से गोल होने चाहिए। वाइब्रेशन देखें इसकी कुंदे की कितनी है, ये देखें सतराहट, ठीक है, तो इसकी सतराहट जो उनकी है ये परों की देखें, पार बीच में सही आ रहे हैं, इधर आए थोड़ा सा ये इसके पार देखें मुकम्मल, मैं आपको कहता हूँ सही तरह ज़रा नज़र आ जाए, देखिए वाइब्रेशन, और इसकी जो बगल है ये देखें मेरे अंगूठे के ऊपर आ रही है, ये चीज़ जितनी बड़ी होगी उतना कबूतर ज़्यादा अच्छा परवाजी होगा और ब्रीडिंग के लिए अच्छा होगा, कबूतर बगल बड़ी हो इतना पेपर इनका बारीक हो आगे से पार में लचक होनी चाहिए, देखें कागज़ की तरह लचक है इसमें परों में, परों में लचक होनी चाहिए कबूतरों के, तीलियाँ सख्त नहीं होनी चाहिए और परों के ऊपर यहाँ से परों के ऊपर पर चढ़े होने चाहिए सारे, और ये सीने की हड्डी जहाँ से कबूतर की ख़त्म होती है उसके साथ करके जोड़ होना चाहिए, बंद जोड़ होना चाहिए और बैठे हुए जोड़ होने चाहिए, वो कबूतर जोड़ों में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो और जो मादा है वो भी सेम नर के मुकाबले में अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह का नर हो सेम वैसी मादा हो, कबूतर की दुम बिल्कुल बंद होनी चाहिए पीछे से, ये चाय चीज़ बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, गांठ जिसे कहते हैं कबूतर की, तो बिल्कुल एक पता दुम होनी चाहिए, ज़्यादा फैली हुई चौड़ी लंबी बड़ी दुम नहीं होनी चाहिए। और इस कबूतर के देखे पर माशाल्लाह दुम से थोड़े से कम है, दुम से थोड़े छोटे ही होने चाहिए कबूतर के पर, वो ज़्यादा अच्छा होता है उड़ान में भी और ब्रीडिंग में भी। ये इस कबूतर का दूसरा पार है, असल में इसे कभी हाथ में पकड़ा नहीं है इसलिए बुरा मना रही है, देखें इसके पार ये दूसरे भी सेम। अच्छा एक और टिप्स आपको देता हूँ, ये देखें ये दसवां इससे छोटा है, नौवां इससे छोटा है, दसवां नौवां बड़ा है, आठवां और दसवां देखें बराबर हैं और नौवां थोड़ा सा लंबा है, तो दोनों पर दोनों साइडों के बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, जिस कबूतर के पर एक जैसे नहीं होंगे वो अनबैलेंस कबूतर होता है, वो ना उड़ान में अच्छा होता है ना ब्रीडिंग में अच्छा होता है। तो और जो कबूतर के ये पंजे हैं, ये कबूतर के पंजे हैं ये खुश्क हो ऊपर से खुश्की हो इन पे, और ये बारीक और गहरे गहरे रंग के होने चाहिए, जितने गहरे रंग के होंगे खुश्क होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है पीछे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चंद टिप्स जो आप लोगों से मैंने शेयर किए हैं, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर ना पसंद आई हो तो
डिसलाइक करना आपका हक बनता है। तो कमेंट्स करके आप बताइएगा, और किसी दोस्त भाई को कोई भी मसला हो किसी किस्म के कबूतर की बीमारी का, वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। तो मेरे नॉलेज में जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।